राजस्थान में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं, इसे लेकर के कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ने तैयारियां शुरू कर दी है। भाजपा संगठन के नेताओं के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जनवरी को प्रदेश के भीलवाड़ा पहुंच रहे हैं। पीएम भीलवाड़ा के आसिंद में देवनारायण भगवान की जयंती के मौके पर एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की इस रैली के जरिए भाजपा पूर्वी राजस्थान और गुज्जर बाहुल्य क्षेत्र को साधने की कोशिश करेगी। भाजपा के पास कोई गुज्जर विधायक नहीं है। आपको बता दें, प्रदेश की 200 सीटों में से 50 से ज्यादा ऐसी सीटें हैं जहां गुज्जर समाज का प्रभाव है। यदि जिलों की बात की जाए तो अजमेर, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, अलवर जिले सहित जयपुर ग्रामीण सीट पर भी गुज्जर बाहुल्य क्षेत्र है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी इस वोट बैंक को साधने में जुटी हुई है। अगर ये वोट बैंक भाजपा के पक्ष में जाता है तो पार्टी की जीत की संभावना बढ़ जाती है। 2018 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से एक भी गुज्जर विधायक नहीं बन पाया था। पीएम मोदी के प्रस्तावित दौरे की चर्चा मात्र से ही सूबे में राजनीति गरमाने लगी है। भाजपा जन आक्रोश यात्रा और सभाएं कर सत्ता में वापसी के लिए माहौल बनाने में लगातार जुटी हुई है। इस बीच प्रधानमंत्री के राजस्थान दौरे पर आने की चर्चाओं से भाजपा कार्यकर्ता खासा उत्साहित भी हो गए हैं। अमर उजाला से चर्चा में राजस्थान भाजपा के नेताओं का ये कहना है कि भगवान देव नारायण के जन्म स्थल माला सेरी से जुड़े संतों ने प्रधानमंत्री मोदी को जयंती समारोह में शिरकत करने का निमंत्रण दिया है। इसके बाद से ही प्रधानमंत्री मोदी के भीलवाड़ा आने की तैयारियां शुरू हो गई। हालांकि पीएम के दौरे की अभी तक आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन प्रदेश भाजपा ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी है। प्रदेश भाजपा नेता गुलाब चंद कटारिया का ये कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कार्यक्रम में आने से भगवान देव नारायण को का आराध्य मानने वाले लोगों को आनंद का अनुभव होगा। पीएम मोदी की रैली का गुज्जर बाहुल्य सीट पर असर भी दिखेगा। हाल ही में पीएम के इस दौरे को लेकर भाजपा के प्रदेश प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने प्रदेश भाजपा के नेताओं के साथ एक बैठक की थी। बैठक में पीएम के दौरे और उसकी तैयारियों को लेकर चर्चा की गई थी। बैठक के बाद उन्होंने पीएम के दौरे की पुष्टि भी की थी और इस बीच भाजपा ने पीएम के दौरे की तैयारियां भी शुरू कर दी है। बड़ी से बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के सांसद, विधायक, पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी कार्यक्रम में हिस्सा लेने जाएंगे। पीएम के आसिंद में भगवान देवनारायण की 1111वीं जयंती पर होने वाले कार्यक्रम में हिस्सा लेकर पूर्वी राजस्थान और गुज्जर समाज में एक बड़ा संदेश देंगे। प्रदेश में 14 जिलों की 18 सीटें गुज्जर बाहुल्य हैं, जबकि करीब 50 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर गुज्जर वोट असर डालता है। इसीलिए कांग्रेस से नाराज भी है गुज्जर, इसकी बारे में भी बात कर लेते हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष सचिन पायलट थे। उनके मुख्यमंत्री बनने की संभावना के चलते गुज्जरों ने एक तरफा कांग्रेस को वोट दिया था। हालांकि पायलट मुख्यमंत्री नहीं बने तो लोकसभा चुनाव में ये वोट बैंक भाजपा की तरफ डाइवर्ट हो गया और प्रदेश की सभी 25 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली। विधानसभा चुनाव 2023 को निकट देखते हुए भाजपा एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी की सभा के जरिए गुज्जर वोट बैंक पर प्रभाव डालने की कोशिश में जुटी हुई है। गुज्जर भी पायलट को सीएम नहीं बनाने से कांग्रेस से खासा नाराज भी चल रहे हैं। ऐसे में भाजपा को चुनाव में इसका बड़ा फायदा मिल सकता है। पीएम मोदी का ये दौरा उस वक्त भी हो रहा है जब हाल ही में अजमेर में देवनारायण मंदिर की दीवार राजस्थान सरकार के पीडब्ल्यूडी की ओर से गिरा दी गई। विवाद बढ़ने पर शासन प्रशासन का झुकना पड़ा और दीवार वापस बनाने के साथ ही दोषियों पर कार्रवाई का आश्वासन भी देना पड़ा। ऐसे में इस दौरे के दौरान पीएम मोदी राजस्थान की गहलोत सरकार को आड़े हाथों भी ले सकते हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 नवंबर 2022 को राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में आदिवासियों के प्रमुख तीर्थ स्थल मानगढ़ धाम पहुंचे थे। मानगढ़ धाम का प्रभाव तीनों राज्यों की 99 विधानसभा सीटों पर माना जाता है। इसमें गुजरात की 27, राजस्थान की 25 और मध्य प्रदेश की 47 सीटें हैं। ये सभी सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं और इन तीनों राज्यों की करीब 40 लोकसभा सीटों पर भी आदिवासी समुदाय का असर माना जाता है। पीएम की इस रैली का असर गुजरात चुनाव में भी नजर आया था। प्रदेश की अधिकांश आदिवासी सीटों पर भाजपा उम्मीदवारों की जीत हुई थी।
डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।